अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी रेसिपी है दैट इज़ मटर रोगन जोश, ये हमने वाजवान स्टाइल बनाई है। ये एक ऑथेंटिक डिश है, बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस होता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे बनाते हैं मटर रोगन जोश इन वाजवान स्टाइल। फ्रेंड्स, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन हियर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू रिमेन अपडेटेड। 1 kg मटन लिया है हमने, इसको अच्छे से वॉश किया है। आफ्टर दैट हमें इसको एक कुकर में ऐड करना है और हमें इसको एक उबाल लाना है, बॉयल करना है ताकि जो स्कम वगैरह है वो ऊपर आ जाए। एक उबाल आ गया है तो अब हम इसका स्कम है ये रिमूव करेंगे। ये हमेशा ही जो स्कम वगैरह होता है ये रिमूव करना चाहिए। और उसके बाद हम इसमें अब गार्लिक क्लोव्स ऐड करेंगे, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, फेनल सीड्स, इससे मटन स्टॉक, इसका कलर एंड जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको कुक करेंगे ढक के, 50% तक हमें मटन को कुक करना है। एंड आफ्टर दैट अब हम इसको अच्छे से स्ट्रेन करेंगे और जो मटन पीसेस है इनको प्लेट में निकाल के जो स्टॉक है उसको हमने छान लिया है। एंड गार्लिक क्लोव्स एंड फेनल जो है अब हमें ये ज़रूरत नहीं है। तो अब हम ये मटन स्टॉक में फिर से ऐड कर लेते हैं और कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, क्लोव्स, ग्रीन कार्डमम, टर्मरिक पाउडर, जिंजर पाउडर। अब हम इसको 10 to 15 minutes कवर करके कुक करेंगे। और एक पैन में हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसका स्मोक हमें निकालना है। तो वो अब हम रोगन जोश में ऐड करेंगे। रोगन जोश में घी ज़्यादा ऐड होता है, बट जो मस्टर्ड ऑयल है ये घी के बराबर ही होता है, इसलिए हम मस्टर्ड ऑयल भी डालेंगे और घी भी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और घी हम देसी घी, होममेड घी है ये, तो हमने ये 1 tablespoon तक ऐड किया है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। रेड चिली पाउडर को हमने पहले ही वाटर में पेस्ट बना लिया था, वो भी ऐड कर लेंगे। और हम इसमें शैलट्स ऐड कर लेंगे। आप एक अनियन को भी फ्राई करके, ग्राइंड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने शैलट्स यूज़ किया है, शैलट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास है तो वही डालिएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, कोरिएंडर लीव्स और कुछ चॉप्ड आलमंड्स डाले हैं हमने। 2 to 5 minutes इसको अब हम और कुक करेंगे। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हैं हमारा जो वाजवान स्टाइल मटन रोगन जोश है बिल्कुल तैयार है। तो ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बोलिएगा कि कैसी बनी थी ईद के दिन आपकी ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक इन एडवांस, और दुआ में याद रखिएगा।